Divian word problems. इस वीडियो में हम Divian से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. पहला प्रॉब्लम है, अली हैड 192 पेंस. इफ ही पुट 16 पेंस इन ईच बैग देन हाउ मेनी बैग्स वुड ही नीड. इस प्रॉब्लम को समझते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं. अली हैड 192 पेंस. अली के पास 192 पेंस थे. इफ़ ही पुट 16 पेंस इन ईच बैग, अगर वो हर बैग में 16 पेंस रखे, देन हाउ मेनी बैग्स वुड ही नीड, तो हमने बताना है कि उससे कितने बैग्स चाहिए होंगे. तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, टोटल आइटम्स यानी टोटल कितनी चीज़ें हैं डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड करने का निशान है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू आइटम्स इन ईच ग्रुप, यानी ये बराबर होगा हर ग्रुप में जितने आइटम्स हैं. टोटल कितने पेन्स हैं, 192. तो आइटम्स होंगे 192 और इन्हें हम डिवाइड कर रहे हैं कितने ग्रुप्स में, ग्रुप्स हमें अभी नहीं पता, तो यहाँ पर हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क या फिर हम इसकी जगह पर कोई अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए इक्वल टू आइटम्स इन ईच ग्रुप, यानी हर ग्रुप में कितनी चीज़ें हैं. तो यहाँ पर ग्रुप हैं बैग, तो हर बैग में कितने पेन हैं, 16 पेन हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा कि हर बैग में 16 आइटम्स हैं. अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से नंबर ऑफ ग्रुप्स देखने हैं, यानी ए की वैल्यू निकालनी है. हम किस तरह से करेंगे, हम जानते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 192 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू ए. यानी हमने क्या किया, ये हमारे पास प्रोडक्ट था और ये दोनों इसके फैक्टर्स थे, तो फैक्टर्स की जगह हम बदल सकते हैं. यानी प्रोडक्ट को जब किसी एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो जवाब में दूसरा फैक्टर आता है. अब हमने यहाँ पर 192 को 16 से डिवाइड करना है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करने का निशान होता है, इसके अंदर हम रखते हैं डिविडेंड को जो कि है 192 और बाहर रखेंगे डिवाइज़र को. डिवाइज़र टू डिजिट नंबर है, तो अंदर भी हमने डिविडेंड के लेफ्ट साइड से टू डिजिट नंबर्स को लेकर डिवाइड करना है, यानी 19 को हम 16 से डिवाइड करेंगे. तो 16 के टेबल में देखें, 16 वन्स आर 16, 16 टूज़ आर 32. तो 32 19 से बड़ा है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 16 वन्स आर 16. तो यहाँ पर आ जाएगा 16 वन्स आर 16. अब अगले स्टेप में हमने 19 में से 16 को माइनस करना है, 2 को हमने यहाँ पर इग्नोर किया हुआ है, तो 9 माइनस 6 3 आ जाएगा और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा. 0 को 3 की लेफ्ट साइड पर लिखने की ज़रूरत नहीं है. और अब अगले स्टेप में हम 2 को नीचे लेकर आएंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 32. अब 16 के टेबल में अगर देखें तो 16 टू ज़ार 32 होता है, तो 16 2 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 32. अब इन्हें माइनस कर लें तो 32 माइनस 32 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. जब 0 रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है जो कि 0 आ गया, तो उसके बाद ये जो नंबर होता है इसे हम क्वेश्चन कहते हैं और यही हमारा आंसर है. यानी ये है ए की वैल्यू और ए क्या था, नंबर ऑफ ग्रुप्स. इसका मतलब है कि हमारे पास है ए इक्वल्स टू 12. यानी 192 को जब 16 से डिवाइड किया तो जवाब क्या आया, 12. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अली वुड नीड 12 बैग्स, यानी अली को 16 पेन्स रखने के लिए 12 बैग्स चाहिए होंगे. तो ये हमारा आंसर है. अब यहाँ पर हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, यानी हमने क्या किया था, 192 को
16 से डिवाइड किया था तो जवाब आया था 12. अब हमने चेक करना है कि क्या हमारा जवाब ठीक है या नहीं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 192 प्रोडक्ट होता है और ये दोनों इसके फैक्टर्स होते हैं. तो अगर हम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब में प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ. अगर जवाब में 192 आता है तो हमारा जवाब ठीक होगा. अब हम यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 के साथ. तो इसे हम इस तरह से कर लेते हैं, 12 की जगह पर लिखते हैं 10 plus 2, और अब यहाँ पर 16 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 16 को 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ भी. 16 tens are 160 plus 16 twos are 32. अब 160 में जब 32 जमा करेंगे तो 0 plus 2 2 आ जाएगा, 6 plus 3 9 आ जाएगा और 1 as it is आ जाएगा. तो हमारे पास आ गया 192. इसका मतलब है कि हमारा जवाब ठीक है. तो अली वुड नीड 12 बैग्स, ये हमारा आंसर है. तो इस तरह से हम डिवीजन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. एक और प्रॉब्लम देखते हैं. अगला प्रॉब्लम है, देयर आर 168 books in a shop. If the shopkeeper puts them on shelves with 24 on each shelf, then how many shelves would he need? There are 168 books in a shop. एक शॉप के अंदर 168 books हैं. If the shopkeeper put them on shelves with 24 on each shelf, हर शेल्फ पर 24 हों, हाउ मैनी शेल्फ्स वुड ही नीड, तो उसे कितनी शेल्फ्स चाहिए होंगी. तो शेल्फ को अगर हम एक ग्रुप समझें तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं. टोटल आइटम्स यानी टोटल जो चीज़ें हैं वो हैं 168, और इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ग्रुप से, यानी कितनी शेल्फ्स हैं. तो यहाँ पर हमें शेल्फ्स नहीं पता तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं बी, और ये बराबर होगा आइटम्स इन ईच ग्रुप, यानी हर शेल्फ पर कितनी बुक्स हैं, तो 24. तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 24. तो अब हमें बी की वैल्यू चाहिए, यानी नंबर ऑफ शेल्फ्स चाहिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम 168 को बी से डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर बी हमें नहीं पता तो दोबारा से हम 168 को लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू बी. अब हम 168 को 24 से डिवाइड करेंगे. तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं बिग सेवन मेथड की मदद से, यानी इस तरह से आपने एक बिग सेवन बनाना है और इसके अंदर रखना है डिविडेंड को जो कि है 168, बाहर रखना है डिवाइजर को जो कि है 24. अब 24 के ग्रुप्स हमने 168 में से निकालते जाना है. तो 24 के अगर 10 ग्रुप्स देखें तो ये बनते हैं 240, लेकिन 240 168 में से निकल नहीं सकता क्योंकि ये इससे बड़ा है. तो हम 24 के 5 ग्रुप्स देखते हैं तो ये कितने होंगे, 5 24s are 120. तो 120 को हम 168 में से निकाल सकते हैं. तो 24 के 5 ग्रुप्स जब निकालेंगे तो 120 को हम माइनस करेंगे 168 में से. तो 8 minus 0 8, 6 minus 2 4, यह आ गया 48. 1 minus 1 0 आ जाएगा जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब 48 में से 24 के कितने ग्रुप्स निकल सकते हैं, 24 2s are 48. तो 24 के 2 ग्रुप्स को हम इसमें से निकाल सकते हैं. 48 minus 48 आ जाएगा 0. जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है और यहाँ मौजूद नंबर्स को हम जमा कर लेते हैं. तो 5 plus 2 7, इसका मतलब है कि 168 डिवाइडेड बाय 24 हो तो ये बराबर आता है 7 के. ये हमारा आंसर है. 7 यहाँ पर क्या था, बी की वैल्यू, और बी था नंबर ऑफ ग्रुप्स यानी नंबर ऑफ शेल्फ्स. तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं अपना आंसर, ही वुड नीड 7 शेल्फ्स. तो उसे 7 शेल्फ्स चाहिए.
और अब हम यहाँ पर अपने आंसर को चेक करेंगे. तो हमारा हमने जो प्रॉब्लम लिखा था वो था 168 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 7. तो अब हम 24 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये 168 आता है या नहीं. तो यहाँ पर लिखते हैं 24, इसके नीचे आ जाएगा 7 और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. 7 4s are 28, 8 रखेंगे और 2 कैरी ले जाएंगे. 7 2s are 14, 14 plus 2 16. तो ये 168 बन गया. इसका मतलब है कि हमारा जवाब ठीक है. तो हमारा आंसर है ही वुड नीड 7 शेल्फ्स. तो इस तरह से हम डिवीजन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इस तरह से फिर उन्हें डिवाइड मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं.